इस तरीके दोस्तों हमारा चिकन बन गया दोस्तों, ये देखिए। आप लोग दोस्तों इसी तरीके से बनाइए और खाइए चिकन ग्रेवी। चलिए दोस्तों, अगर चिकन जब भी धोएंगे दोस्तों इसमें हल्का सा नमक डालेंगे और नमक डाल के दोस्तों इसको धोएंगे ताकि दोस्तों हमारा ये खून है बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ हो जाए दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हम लोग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग धोएंगे और उसके बाद देखिए दोस्तों इसका। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों, अमरेश पुष्पा ब्लॉग में दोस्तों स्वागत है। और दोस्तों आज बना रहे हम लोग चिकन, कुछ अलग तरीके से बनाएंगे दोस्तों और साफ भी दोस्तों कुछ अलग तरीके से करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट बनाते हैं चिकन देहाती स्टाइल। देखिए दोस्तों हम लोग चिकन, और दोस्तों चलिए इसको फटाफट दोस्तों धोएंगे। और धोने से पहले दोस्तों एक काम इसमें जरूर करेंगे, चलिए दोस्तों हम बताते हैं करना क्या है। जल्दी से दोस्तों आपका खून ये सब साफ हो जाएगा दोस्तों बस चुटकी में। चलिए दोस्तों, अगर चिकन जब भी धोएंगे दोस्तों इसमें हल्का सा नमक डालेंगे और नमक डाल के दोस्तों इसको धोएंगे ताकि दोस्तों हमारा ये खून है बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ हो जाए दोस्तों। और नमक डाल के दोस्तों कम से 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि दोस्तों ये अच्छी तरह से खून साफ होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग धोएंगे और उसके बाद देखिए दोस्तों इसकी क्वालिटी। तो चलिए दोस्तों इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसी तरीके। दोस्तों बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा और तब इसको धोएंगे दोस्तों, हमारा पूरा खून साफ हो जाएगा। दोस्तों हमारा चिकन मसाला क्या क्या है डाला हुआ पुष्पा जी इसमें? अदरक, जीरा और लहसुन। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से दोस्तों हम इसमें पेस्ट बना लेंगे और ताकि दोस्तों स्वाद लाजवाब बनेगा। ये देखिए दोस्तों नमक डाल के अगर साफ करेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों इसका खून सब साफ हो जाए। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों अब फटाफट हम लोग इसको बनाते हैं। गर्म हो गया है, अब डालेंगे दोस्तों इसमें तेजपत्ता। हमारा तेजपत्ता भुजा गया, अब डालेंगे दोस्तों इसमें प्याज। आज बनाएंगे दोस्तों चिकन कुछ अलग तरीका से दोस्तों। तो प्याज के डालते समय दोस्तों हल्का सा नमक इसमें जरूर मारेंगे ताकि दोस्तों हमारा प्याज बिल्कुल जल्दी से गल जाएगा। अब फटाफट हम लोग उसमें चिकन डालते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों बहुत दिन बना रहे हैं देहाती स्टाइल में चिकन चावल। तो चलिए दोस्तों इसको ढक देंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों कुछ देर वेट करते हैं। तो हमारा चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से भुजा गया दोस्तों, और चिकन भुजेंगे जब दोस्तों जब इसमें पानी छोड़ेगा वो बिल्कुल अच्छी तरह से सुखा लेंगे, यानी दोस्तों चिकन में स्मेल आ जाएगा। अब डालेंगे दोस्तों टमाटर। अब डालेंगे दोस्तों चिकन मसाला जो बनाया दोस्तों वो। तो चलिए दोस्तों इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों इसको नमक ऐड कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम ढक देते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो गया दोस्तों, ये देखिए किस तरीके दोस्तों हमारा चिकन बन गया दोस्तों, ये देखिए। आप लोग दोस्तों इसी तरीके से बनाइए और खाइए चिकन ग्रेवी, बहुत मजा आता है दोस्तों खाने में। आप लोग बनाइए और खाइए।
चलिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करते हैं। चिकन ग्रेवी चिकन बन के बिल्कुल दोस्तों रेडी हो गया। अब चलिए दोस्तों हम लोग खाते हैं चिकन चावल। हाँ ये देखिए दोस्तों हमारे लड्डू भी है, ये देखिए।